दिवाली के मौके पर अमृतसर लुटेरे लगातार सरगर्म हैं। लगातार ही वारदातों भी अंजाम दे रहे हैं। अज अमृतसर के प्रीत विहार गली नंबर 2 के एक स्वीट शॉप के लुटेरिया ने लुट की वारदात को अंजाम दिता है। पिस्तौल की नोक से औरत के गहने हजारों रुपए की नकदी इतों लैके लुटेरे रफू चक्कर हुए हैं। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिस हथियारों के चार लुटेरे एक दुकान के दाखिल होंगे हैं। हथियारों की नोक से इन्होंने वालों इस लुट की वारदात को अंजाम दिता गया, तो बाद फरार हो गए। इस संबंधी पीड़ित दुकानदार ने दसाया है कि वह अपनी दुकान पर बैठा से कि इस दौरान ही चार हथियारबंद लुटेरिया ने आके इस लुट की वारदात को अंजाम दिता। उधर पुलिस ने एक बार फिर तो कहा है कि जल्दी ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम दस दिए कि पिछले 24 घंटे अमृतसर तीसरी लुट की वारदात हुई है। मैं सुमित पुरी स्वीट्स की शॉप करते हाँ, जो कि अं कल रात 8:30 दुकान पर बैठे हुए थी, तो इतने अपना चार बार पछाते उन्होंने मूँह बन्ने हुए थे, जो कि आ गए तो भाई लागे एक रिवोल्वर तो 2 कृपाना तो 1 दातर से, जो कि आंदा उन्होंने गले में पे तो अपना साडा कैश कढ़ के लै गए। तो मेरी वाइफ बैठे ही इन्हों की करीब लवा के लै गए। तो साड़ी प्रशासन अगर बेनती है कि सानू इंसाफ दिलाता जाए। तो रात डिप्टी साहब भी आए तो अपना SHO साहब भी आए, अपना करके गए मंग, पर आप उन्होंने कहने कि सानू जल्द तो जल्द इस इंसाफ लाया जाए तो होर किसी एफजी वारदात ना हो। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।